कैन ही डू समथिंग मैजिकल? नंबर्स गिव एडवांटेज नहीं, लोअर ग्राउंड पे टीम फंसी हुई, अक्षत पीछे जाते हुए ड्राइवर करने के लिए, यहाँ पे टीम एडमिट भी आगे पुश करती हुई, टीम सोल बचना मुश्किल, ड्राइवर आता हुआ, गाड़ी उठानी पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा और एक प्लेयर जरूर यहाँ पे डाउन हुआ, जूसी टेक्स डाउन गॉब्लिन वंस अगेन, बट जूसी को नॉक करा गया अक्षत, नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक प्लेयर जो नॉक थे फिनिश उन्होंने निकाला, एडमिट के बाकी दो प्लेयर्स टीम ब्लाइंड के द्वारा वो डाउन, क्या यहाँ पे कुछ और होगा? चलिए अक्षत भी डाउन, हेक्टर एक्चुअली द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट ब्लाइंड भी पीछे से आती हुई, मैडमैन को यहाँ पे खत्म करा जाएगा, ब्लाइंड एक विनर विनर चिकन डिनर की तरह बढ़ती हुई, हेक्टर डैमेज बहुत ले लिया, द लास्ट मैन स्टैंडिंग द सेवियर ऑफ टीम सोल, बट कितनी देर तक, इट्स ऑल ओवर एंड टीम ब्लाइंड लेके जाती हुई पहले मैच में एक विनर विनर चिकन डिनर, और ऑन स्पॉट जोनाथन को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे, एंड हियर वी गो फाइनल टू टीम्स, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स यहां पर नजर आ रही है और साथ साथ एनिग्मा गेमिंग, फिलहाल तो नजर आ रहा है कि शायद ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स के आसार काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं यहां पर इंसेन। देखिए ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स तो सेमीफाइनल में भी टॉप करके आई है और आज के दिन के पहले मुकाबले में भी टॉप किया है, तो जाहिर सी बात है आसार तो ज्यादा होंगे ही होंगे। एनिग्मा नजर आती हुई सामने की तरफ, टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स नजर आती हुई, 3v4 की बैटल है, लेकिन एनिग्मा को कम नहीं आंक सकते आप, एनिग्मा भी यहाँ तक क्वालिफाई करके आई है, यहाँ तक अपनी जगह बनाई है, काफी सारे फ्रैग्स भी हैं, अभी अभी एस पावर ने काफी सारे फ्रैग्स निकाले हैं, 6 फ्रैग्स इन टोटल एस पावर के खाते में, रॉनी भी कुछ कम नहीं है, लेकिन आगे है इन्फिनिटी ओवेस की टीम, बहुत लंबे समय से ये खिलाड़ी साथ में खेलते हुए, बहुत लंबे समय से ये सिनर्जी बिल्ड करते हुए आ रहे हैं, बट सेम गोज फॉर ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स एज वेल, ये 3v4 की बैटल एनिग्मा निकालेगी या ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स निकालेगी, ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स निकालेगी तो ब्लाइंड के फैंस तो खुश होंगे ही होंगे, लेकिन फिरो ज्यादा खुश होंगे, और इसी के साथ ओपनिंग निकालते हुए टकल एक बार फिर से, वन मोर प्लेयर गेट्स डाउन, वन लास्ट मैन सर्वाइविंग एंड दैट्स गोना बी इन्फिनिटी, बट ही इज गोना बी टेकन डाउन बाय एस पावर, और एक बार फिर से टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स निकालती हुई विनर विनर चिकन डिनर बैक टू बैक। लूट क्या नहीं मिला था उनके पास, सफिशिएंट वक्त नहीं था, जी गॉड हो सकता है कि इसी यहाँ पर थ्रोबल के चलते ही वो नॉकआउट कंफर्म करने नजर आए, जाएंगे जरूर, बट ये वॉच करने की गलती क्यों करी जी गॉड, और देख देखते टीम गॉड लाइक जिनके पास मौका था टॉप 3 पर भी आने का, 6 पोजीशन में एलिमिनेट, बट एक बार फिर से यू नो चिकन को निकाल रहा है, इट इज टीम ब्लाइंड जो शायद यहाँ पे चिकन निकालेगी, हेक्टर उन्होंने जरूर कोशिश करी थी कि ज्यादा देर तक सर्वाइव करें बट वो सर्वाइव कर नहीं पाए, बट 8-bit के जूसी अपनी टीम के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे पॉइंट्स निकाले, और जूसी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, बट ब्लाइंड एक हैट्रिक गेम्स, एक हैट्रिक, बिकॉज मुझे लगता नहीं कोई उनको रोक पाएगा इस चिकन को निकालने से। चलिए स्पीरो ने यही सही प्रेडिक्शन दे दिया, एक और देखते हैं कितनी सटीकता उनके इस प्रेडिक्शन में देखने को मिलेगा। इस आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टीम 8-bit या फिर ब्लाइंड या फिर आपको नजर आ रही है टीम फ्रॉस्टी, गाइस क्या लगता है बताएगा जरूर यहाँ पर कमेंट सेक्शन में, एंड अपना प्यार देते रहिए सभी टीम को, बराबरी यहाँ पर प्यार देते रहिए, लेकिन चलिए 8-bit तो यहाँ पर बाहर का रास्ता देख चुकी है, सिचुएशन इज नाउ एंड क्या ही कमाल का एक परफॉर्मेंस बैक टू बैक, ये तीसरा लगातार विनर विनर चिकन डिनर फॉर द टीम ब्लाइंड, कोई रोक ही नहीं पा रहा था।